कल भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने आज तक अपने देश के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया है। पिछले 5 साल जब से हम सरकार में हैं, दिल्ली के एक-एक बच्चे को मैंने अपना खुद का बच्चा मान के उसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। क्या इससे मैं आतंकवादी बन गया? दिल्ली के किसी भी घर में कोई भी बीमार हुआ, मैंने उसके लिए दवाइयों का, टेस्ट का, ऑपरेशन का इंतजाम किया। क्या कोई आतंकवादी ये सब करता है? दिल्ली के जितने बुजुर्ग हैं उन सब के लिए मैंने तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, अलग अलग जगह उनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजा। इससे क्या मैं आतंकवादी बन गया? दिल्ली के रहने वाले जितने हमारे सिपाही हैं जो बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत के बाद मैंने उनके परिवार का ख्याल रखने का काम किया। क्या कोई आतंकवादी ये सब करता है? आज तक अपने जीवन में मैंने कभी अपने बारे में कुछ नहीं मांगा, अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। जब भी जरूरत पड़ी अपना सब कुछ, तन मन धन और यहाँ तक कि जान भी इस देश के लिए कुर्बान है। जब आईआईटी से पढ़ के निकला था, आईआईटी खड़गपुर देश का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मैं चाहता तो विदेश जा सकता था, मेरी क्लास में बहुत सारे लोग विदेश चले गए, लेकिन मैं देश में रुका था क्योंकि मैं चाहता था, मैं समझता था कि इस देश को अगर ठीक करना है तो हम ही को ठीक करना है। कई लोगों का ये मानना था कि हमारे देश में तो ये कमी है, हमारे देश में तो वो कमी है, कोई यूएसए चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन मैं चाहता मैं भी जा सकता था, मैं नहीं गया। उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। क्या कोई आतंकवादी करता है ये? देश के बहुत बड़े बड़े, बहुत शक्तिशाली लोगों के भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया, जिसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे, कितने केस हुए मेरे ऊपर। कभी आतंकवादी ये सब करता है? मैं डायबिटीज का मरीज हूं, डायबिटीज का मरीज अगर 3-4 घंटे इंसुलिन लेता हूं, दिन में 4 बार इंसुलिन लेता हूं, अगर डायबिटीज का मरीज 3-4 घंटे कुछ ना खाए और इंसुलिन पे है तो वो कोलैप्स कर जाता है, उसकी शुगर बहुत डाउन हो जाती है, उसकी जन मौत उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में 2 बार मैंने देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अनशन किया, एक बार 15 दिन का अनशन किया, एक बार 10 दिन का अनशन किया। सभी डॉक्टरों ने कहा था कि केजरीवाल 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। देश के लिए अपनी जान कुर्बान की मैंने, जान तक दांव पे लगाई मैंने, और पिछले 5 साल के अंदर इन सब लोगों ने मिलके मुझे प्रताड़ना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे घर पे रेड कराई, मेरे ऑफिस में रेड कराई, मेरे ऊपर केस पे केस कर दिए, जो ये कर सकते थे वो सब किया। मैं आतंकवादी कैसे हो गया? कल शाम को जब घर गया तो मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, रोज शाम को जाके थोड़ी देर उनसे बैठ के पूरे दिन की बात करता हूँ। उनको बहुत दुख हो रहा था, उनका यही कहना था कि उनका बेटा कट्टर देशभक्त है, उनका बेटा आतंकवादी नहीं है। मैंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों का बेटा बन के उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं।